Welcome back class. So now I am going to start how to calculate the RMS value, average value, peak factor, form factor of different waveforms. Okay, it will comes under unit 2. So I am starting this topic and I will solve the questions of your extra class question bank also, so that you are able to solve that question bank also. Okay. So in this particular video, I will discuss only RMS value, average value, peak factor and form factor of second unit topic. So, okay. So I will particularly discuss these waveforms to you. First is sinusoidal waveform, which you already know. So I will calculate the RMS value and average value of sinusoidal waveform. Then I will calculate the RMS value and average value of half wave, full wave, triangular wave and rectangular waveforms. So these are the waveforms which were asked in the questions to calculate the RMS value and average value of the following waveform. Okay. So first of all, what is average value? It is also called as mean value or DC value. Okay, average value or mean value or DC value is the same thing. So what is this? What is average value? Because as you know, in AC, AC is an alternating supply. Okay, so we have a current or voltage which will vary in magnitude and time. In magnitude and direction. Okay. So AC quantity का magnitude भी change होता है और direction भी change होता है time के साथ, with respect to time. So suppose मैंने एक sinusoidal waveform बनाया, यहाँ पे मैं roughly draw कर देता हूँ. अगर ये एक sinusoidal waveform है, okay? टाइम एक्सिस, ये सपोज वोल्टेज के लिए मैंने या करंट के लिए किसी के लिए भी मैंने ड्रॉ किया है, तो वोल्टेज के लिए मैंने एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म. तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वी मैक्स या वी एम या वी नॉट. ओके, तो एक साइकिल में आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू दो बार अटेंड कर रहा है ये साइनोसाइडल क्वांटिटी. हमारा मैक्सिमम वैल्यू केवल दो बार अटेंड कर रहा है, एक बार पॉजिटिव हाफ में और सेकंड नेगेटिव हाफ में. तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए मुझे वोल्टेज की क्या वैल्यू लेना है? वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप जानते हैं, मैं लिखूंगा V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी. ये सब आपने पढ़ रखा है, बट अगेन मैं डिस्कस कर लेता हूं. ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी. सो अलग अलग इंस्टेंट पे, यानी टी के डिफरेंट वैल्यू पे, मैं टी की वैल्यू पुट करते जाऊंगा, अलग अलग इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू मुझे मिलेगी. सो मैं कौन सी वैल्यू वोल्टेज की कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज करूं, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू? ओके, तो ये सारी वैल्यूज मुझे समझना पड़ेगा. इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप समझ गए कि ये अलग अलग इंस्टेंट पे वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है जो एक साइकिल में दो बार आ रहा है. एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए? बेसिकली किसी भी वेवफॉर्म का एवरेज निकालना है, तो मैंने क्या किया, अलग अलग इंस्टेंट पे इस वेवफॉर्म का जो भी वोल्टेजेस हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं अलग अलग टाइम पे, उनका सम कर लिया अपॉन मैंने नंबर ऑफ कितने इंस्टेंट सेलेक्ट किए हैं उससे डिवाइड कर दिया, ये एवरेज हो जाएगा. सिंपली एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. ओके, लाइक आपको क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने हैं, आपके क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट है, तो 30 स्टूडेंट के मार्क्स आप ऐड कर देंगे अपॉन 30. तो सिमिलर वे में मैंने अलग अलग इंस्टेंट पे वोल्टेज ऐड कर दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन अपॉन एन. तो इस तरीके से मैं एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूं. ओके, तो किसी भी वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू पर्टिकुलरली मैं ऐसे ही निकाल सकता हूं, सम अपॉन नंबर ऑफ इंस्टेंट. अच्छा, इस एवरेज वैल्यू को डीसी वैल्यू भी कहते हैं, मीन वैल्यू भी कहते हैं. एवरेज या मीन सेम थिंग है. डीसी वैल्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज जब भी किसी सर्किट को मैंने एसी सप्लाई से एनर्जाइज किया, तो करंट फ्लो करेगी अगर क्लोज पाथ है, तो दैट मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है. करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज. तो जब भी मैंने एसी से एनर्जाइज किया, तो चार्ज फ्लो होगा. सो मैंने देखा एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ ड्यू टू एसी.
ठीक है ओके। सो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराने के लिए कितना मुझे डीसी वैल्यू चाहिए उसी को हम बोलते हैं एसी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सपोज इस एसी वैल्यू एसी क्वांटिटी से क्यू कूलम का चार्ज फ्लो हुआ टी सेकेंड में ओके। सो क्यू कूलम का चार्ज टी सेकेंड में फ्लो कराने के लिए कितनी डीसी वैल्यू चाहिए, कितना स्टडी करंट चाहिए मुझे, वो वैल्यू हमारा इस वेवफॉर्म के एवरेज वैल्यू के बराबर होगा। तो ये तो है डेफिनेशन। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सो कुछ वेवफॉर्म्स हैं जिनकी आरएमएस और एवरेज वैल्यू मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं। फर्स्ट मैंने चूज किया है आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो साइनोसॉइडल का आप इजीली समझ जाएंगे। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का आरएमएस एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहीं से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रायंगुलर और नेक्स्ट जो भी वेव फॉर्म होगा वो भी मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने डिस्कस किया हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। सो एज यू नो द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म और करेंट वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विल लुक्स लाइक दिस ओके, लाइक दिस द आउटपुट विल बी ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर ओके। Vmax pi 2 pi 3 pi 4 pi and so on। So half wave rectifier का output waveform कुछ इस type का होगा क्योंकि positive half cycle में हमें output मिलेगा, negative half cycle में that means ये pi to 2 pi sinusoidal quantity का negative half cycle होता है तो उस टाइम पे मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर 2 पाई टू 3 पाई मुझे आउटपुट मिलेगा, फिर 3 पाई से 4 पाई कोई आउटपुट नहीं, फिर नेक्स्ट हमारा अगेन। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट वेवफॉर्म होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का ओके। सो अब इस आउटपुट वेवफॉर्म का मुझे आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू। सो जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे मैं वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लूं और अपॉन नंबर ऑफ इंस्टेंट, तो डेट मीन्स अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे मुझे वोल्टेजेस का सम चाहिए तो क्यों ना मैं इस आउटपुट वेव फॉर्म की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसे इंटीग्रेट कर दूं विद इन दिस लिमिट। एक साइकिल के लिए मुझे एवरेज वैल्यू अगर निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करके भी सम निकाल सकता हूं ओके। सो मैं एवरेज वैल्यू लिख रहा हूं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं। वी इक्वल्स टू, ये वी जो है क्योंकि वी की वैल्यू होगी वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी इस वेवफॉर्म की। तो वी इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, कहां से कहां तक, फॉर द टाइम इफ ओमेगा टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई। जीरो से पाई के बीच में हमारा वेवफॉर्म की वैल्यू है जो हमारे वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वी इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जीरो से पाई के बीच में तो वी इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी ओके। और इक्वल्स टू जीरो है, वी की वैल्यू जीरो है पाई से टू पाई तक कोई आउटपुट नहीं है जीरो ओके। यहां पर है ना वोल्टेज एक्सिस, तो ये इस एक्सिस पे वोल्टेज जीरो इक्वल्स टू जीरो एन ओमेगा टी ग्रेटर देन पाई लेस देन इक्वल्स टू टू पाई। तो ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको पता चल गई। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर,
हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट का टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। सो ये यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, फिर दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। तो टाइम पीरियड कितना है यहां से यहां तक? एक साइकिल यहीं तो खत्म हो रही है जहां पे अगली साइकिल शुरू हो। जीरो से साइकिल शुरू हुई, फिर टू पाई पे जाके एंड हुई, फिर नई साइकिल शुरू हुई। तो टाइम पीरियड कैपिटल टी से शो करते हैं इक्वल टू टू पाई है। ओके क्लियर है? सो एवरेज वैल्यू मैं लिखता हूं, वी एवरेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कर्व अपॉन टाइम पीरियड। इस वेव फॉर्म का एरिया, दैट मीन्स इंटीग्रेट कर दीजिए, अपॉन यहां से यहां तक का टाइम पीरियड। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, चलिए वो आगे डिस्कस कर लेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई वेव फॉर्म है जिसमें हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, ओके, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होती है तो केवल हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, अदरवाइज हम कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यहां एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री नहीं है, सो मैं फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालूंगा, अदरवाइज मैं हाफ साइकिल का निकालता। तो एरिया ऑफ कर्व ऑफ फुल साइकिल में लिख देता हूं। ओके सो ये हो गया। सो एरिया ऑफ कर्व ऑफ फुल साइकिल, दैट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वेव फॉर्म विद इन द लिमिट 0 टू 2 पाई। हमें एरिया निकालने के लिए इस वेव फॉर्म को 0 से 2 पाई लिमिट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको? वी को, वी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। इसके रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहां से यहां तक 2 पाई है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई। ओके वी डी ओमेगा टी, वी को इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी विद इन द लिमिट 0 टू 2 पाई। इस लिमिट में वी की को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एरिया अपॉन टाइम पीरियड, सो 1 अपॉन 2 पाई। अगेन 0 टू पाई वी डी ओमेगा टी प्लस पाई टू 2 पाई वी डी ओमेगा टी। बिकॉज वे फॉर्म में देखिए, 0 से पाई तक हमारा साइनोसाइडल वैल्यू जो है उस वी की वैल्यू वी मैक्स साइन ओमेगा टी है, और पाई से 2 पाई तक हमारा वी की वैल्यू 0 है। सो मैंने इंटीग्रेशन लिमिट को चेन रूल से ब्रेक कर दिया, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। सो अब ये वैल्यू पुट कर दी वी की, 1 अपॉन 2 पाई। 0 टू पाई के लिए वी की वैल्यू है वी मैक्स साइन ओमेगा टी, प्लस पाई से 2 पाई के लिए है वी की वैल्यू 0, सॉरी यहां डी ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, डी ओमेगा टी। ये हो गया 0, दैट इज 0, 0 का इंटीग्रेशन 0। सो हमारे पास केवल ये टर्म बचेगा। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, 0 से पाई वी मैक्स साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी और 1 अपॉन 2 पाई, क्योंकि पाई टू 2 पाई के लिए हमारा आउटपुट 0 है। ये वी मैक्स क्योंकि कॉन्स्टेंट है, वी मैक्स अपॉन 2 पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट 0 टू पाई। तो ये आ जाएगा आपका वी मैक्स अपॉन 2 पाई माइनस, बाहर ले लीजिए या फिर चलिए यहीं पे रख देते हैं, माइनस कॉस, पहले अपर लिमिट कॉस पाई ओमेगा टी की जगह माइनस, अगेन क्योंकि ये भी माइनस साइन है, माइनस कॉस 0। ओके सो बेसिकली ये है। इसके बाद आपका ये वैल्यू पुट कीजिए, तो ये वी मैक्स अपॉन 2 पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू अगेन 1, तो माइनस माइनस, तो ये टोटल 2 हो जाएगा। तो ये आएगा वी एवरेज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन पाई। और सिमिलरली करंट के वेव फॉर्म का आपसे
आरएमएस एवरेज वैल्यू पूछ सकता है। तो सिमिलर वे में बस वी के जगह आपको आई एवरेज इक्वल टू सिमिलर वे में आ जाएगा आई मैक्स अपॉन पाई, बिकॉज आई मैक्स भी हाफ वेव रेक्टिफायर का ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, बस वी के जगह आई। ओके, सो ये है आपका आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट है हमारा आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ओ सॉरी, ये है आपका एवरेज वैल्यू। सो नेक्स्ट है हमारा आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ओके, सो आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसे रूट मीन, इसका पूरा कंप्लीट नेम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इस नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और इसे इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। तो किसी क्वेश्चन में आपसे अगर पूछे कि कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, दैट मींस वो आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। ओके, सो रूट मीन स्क्वायर, ओके, तो दैट मींस मुझे इस हाफ वेव रेक्टिफायर का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये वी का वेव फॉर्म है, वी स्क्वायर का वेव फॉर्म क्या होगा, हम इसका स्क्वायर कर दें। पहले स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर जो स्क्वायर्ड वेव फॉर्म है उसका मीन निकाल लें, और देन आफ्टर उसका रूट, अंडर रूट ले लें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली रूट मीन स्क्वायर मतलब सबसे पहले मैं वी स्क्वायर निकालूं, जो भी हमारा फंक्शन है उसका स्क्वायर क्या होगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा वी स्क्वायर। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जो वी, वी की वैल्यू तो वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो वी स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर कब, जब हमारा ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई था। ये देखिए, ओमेगा टी ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई के लिए वी की वैल्यू वी मैक्स साइन ओमेगा टी है, तो वी मैक्स, वी का स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका वी मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और इक्वल्स टू जीरो होगा क्योंकि जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, जब हमारा ओमेगा टी ग्रेटर देन पाई और लेस देन टू पाई, पाई से टू पाई के बीच में हमारा आउटपुट वोल्टेज जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो। तो सबसे पहले मैंने रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर निकाला, देन मैं मीन, मीन मीन्स एवरेज, तो मैं वी स्क्वायर का एवरेज निकालूंगा। ओके, मीन मीन्स एवरेज, स्क्वायर मीन देन रूट। ओके, रिवर्स चल रहे हैं, स्क्वायर कर लिया उसका मीन निकाल लिया, दैट मीन्स वी स्क्वायर एवरेज। सो वी स्क्वायर एवरेज इक्वल्स टू अगेन वही सेम चीज, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। ओके, सो बेसिकली एरिया अपॉन टाइम पीरियड, सो एरिया मीन्स अब यू हैव टू इंटीग्रेट विद इन द लिमिट जीरो टू टू पाई, यू हैव टू इंटीग्रेट वी स्क्वायर, दिस टाइम यू हैव टू इंटीग्रेट वी स्क्वायर नॉट वी, विथ रिस्पेक्ट टू अगेन डी ओमेगा टी, अपॉन टाइम पीरियड इज टू पाई। ओके, सो आई एम पुटिंग दिस लाइक वन अपॉन टू पाई, एंड अगेन बाई द चैन रूल आई एम ब्रेकिंग दिस लिमिट एज जीरो टू पाई वी स्क्वायर डी ओमेगा टी प्लस पाई टू टू पाई वी स्क्वायर डी ओमेगा टी। ओके, सो वन अपॉन टू पाई आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज वी मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी व्हेन विद इन द लिमिट जीरो टू पाई, जीरो टू पाई के लिए वी की, वी स्क्वायर की वैल्यू वी मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी है, प्लस पाई टू टू पाई के लिए जीरो डी ओमेगा टी। ओके, तो ये टर्म जीरो, तो फाइनली हमारा ये बचेगा वी मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो वी मैक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वी मैक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, जीरो टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन टू पाई, ऑब्वियस है ये टू पाई था, इतना आएगा। ओके, सो ये है आपका, तो हमारे पास एक्सप्रेशन था वी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू पाई लिमिट जीरो टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी
डी ओमेगा टी। सो मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टू वन को साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू लिख लिया डी ओमेगा टी। ओके सो बेसिकली देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये था आपका फाइनल एक्सप्रेशन वी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू पाई। तो इसे मैंने लिख लिया वी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू पाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने लिख लिया जीरो से पाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने लिख लिया वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। ओके सो ये यहाँ पे आ गया बेसिकली वी मैक्स स्क्वायर अपॉन टू पाई वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू। सो ये टू यहाँ पे वी मैक्स स्क्वायर अपॉन फोर पाई, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी, और ये टू यहाँ नीचे आ जाएगा तो साइन टू ओमेगा टी बाई टू। ये टू कन्फ्यूज में तो ये बाहर चला गया, ये वी मैक्स स्क्वायर अपॉन फोर पाई हो गया। ओके ओमेगा टी माइनस साइन टू ओमेगा टी बाई टू, देन लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट ओमेगा टी के जगह पाई पुट किया माइनस साइन टू ओमेगा टी के जगह अगेन पाई, तो ये हो गया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए ओमेगा टी के जगह जीरो माइनस साइन टू इंटू जीरो या साइन डायरेक्ट मैंने जीरो लिख दिया। तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, केवल पाई बचेगा क्योंकि साइन टू पाई की वैल्यू जीरो होती है, ये सब जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर का एवरेज जो हमारे पास आया, वी स्क्वायर का मीन वैल्यू मैंने निकाल लिया जिसकी वैल्यू है वी मैक्स स्क्वायर अपॉन फोर। फाइनली हमें कैलकुलेट करना है वी आर एम एस, सो वी आर एम एस इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट वी स्क्वायर एवरेज क्यू बिकॉज आर एम एस। ओके सबसे पहले स्क्वायर देन मीन, अब फाइनल मुझे जो काम है वो अंडर रूट करना है, तो वी स्क्वायर को मैंने अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट वी स्क्वायर एवरेज। सो फाइनली हमारे पास आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी वी मैक्स स्क्वायर बाई फोर, तो वी आर एम एस इक्वल टू आ गया वी मैक्स बाई टू। और सिमिलरली हमारा आई आर एम एस आ जाएगा आपका आई मैक्स बाई टू। सो इस तरीके से आप आर एम एस एंड एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल वेव रेक्टिफायर का आर एम एस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा। ओके